कुमारी शैलजा जी, चरणदास महंत जी, उमेश पटेल जी, प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के स्टेज पर सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? फिट है? आपने मोदी जी का आज भाषण देखा? मोदी जी कहते हैं, सुनिए बात, सुनिए मजेदार बात सुनिए। मोदी जी भाषण में कहते हैं, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? और नरेंद्र मोदी जी, ये भी मुझे बता दो, आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो, तो ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया और आज आप अपने भाषण में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं। मतलब जब आपके लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेके वायरल करते हैं, तो वो व्यक्ति जिस पे पेशाब किया गया उसकी कोई जात नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, वो गरीब है। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आज उसका नाम दलित नहीं रहा। आप ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो और अपने भाषण में आज कहते हो हिंदुस्तान में जाति नहीं। मोदी जी, आप डरिए मत, आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना के बारे में देश को बता दीजिए। भाइयों और बहनों, यहां जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में कोई जात नहीं है। मैं आज आपको, खासतौर से आपके जो युवा हैं, जिससे ये देश रोज उनका भविष्य चोरी कर रहा है, मैं उन आपको कुछ बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं वो आंकड़ा देश के सामने रखने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, एक बात समझिए, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ मिलकर चलाते हैं।
आपने ताली बजाई मतलब आप गहराई समझ गए बात की। मतलब सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी और 90 लोग आईएएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, ये लोग चलाते हैं। अब मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी से पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हो, मुझे बताओ 90 अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं। नरेंद्र मोदी उस दिन से ओबीसी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। आज इतनी शर्म की बात है, आज प्रधानमंत्री देश को कहता है कि ओबीसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुस्तान में जात ही नहीं है, सिर्फ गरीब है। नरेंद्र मोदी जी, गरीबों की क्या जात है? गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े हैं, गरीब आदिवासी हैं, ये गरीब हैं। आप शब्दों के पीछे मत छुपो, आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। अब भाइयों और बहनों, 90 लोग इस देश को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी और 90 लोग, प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं। आप देख लीजिए, आपको एक ऐसा दिन नहीं मिलेगा पिछले 10 सालों में, अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा दो बार पहन लिया हो मुझे दिखा दो। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, 10 साल में उन्होंने एक कपड़ा दो बार नहीं पहना। आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 साल हर रोज अपना कपड़ा बदला हो? एक व्यक्ति है यहां पे? एक नहीं है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी और 90 लोग इस देश को चलाते हैं। बजट का हर एक रुपया, हर एक पैसा नरेंद्र मोदी और ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। पीने के पानी में कितना बजट का पैसा जाएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी पूछ रहा है 90 लोगों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? और जैसे मैंने यह सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कहता है जाति कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। फिर से सुन लीजिए, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। और मजे की बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर सिर्फ 5% बजट का पैसा के बारे में निर्णय लेती है। अब यहां पे ओबीसी लोग, युवा चौंक गए होंगे, हमारी आबादी 5% तो नहीं है, ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है। तो अगर ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है, तो फिर उनकी हिस्सेदारी
5% क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आदिवासियों की आबादी 12%, भाइयों और बहनों आदिवासी युवाओं, आप जानते हो कि 90 अफसरों में से वो जो 3 आदिवासी अफसर हैं, वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निर्णय लेते हैं? मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, ये शर्म की बात है, ये आदिवासियों पर अपमान है। भाई और बहनों, आदिवासी युवाओं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर डिसाइड करते हैं, मतलब 0.01% बजट का आप लोग डिसाइड करते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई, आदिवासियों को वनवासी कहने वाले लोग एकदम कहते हैं इस देश में कोई जात नहीं, इस देश में सिर्फ गरीब है। भाइयों और बहनों, वनवासी का मतलब जानते हो आप? कोई बता सकता है मुझे यहां पे वनवासी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए, आप बताइए, आदिवासी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं, आदिवासी का मतलब, और आदिवासी युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी जमीन दिख रही है आपको, ये जो जमीन है, ये सबसे पहले आदिवासी वर्ग की जमीन हुआ करती थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। सही बात, मतलब पहले मालिक आप। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश वाला देखा आपने, जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है, आपने देखा है? देखा ना? उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वायरल किया, वो वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया था, मैंने देखा उसको। भाई और बहनों, आपने किसी बीजेपी के नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए मैंने देखा है।
ये लोग कहते, इनके दिमाग में बात यह है, ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल के अंदर है और आपको जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और फिर 24 घंटा ये आपके जंगल को उठा के अदानी को देते हैं। 20 साल में जंगल खत्म हो जाएगा, आपको कहेंगे भैया आप तो जंगल के हो, आपकी तो कोई जगह ही नहीं रही, चलो आओ शहरों में भीख मांगो। हमने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया है। क्यों बिछाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया तीन भाषा क्यों, एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों, पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो, छत्तीसगढ़ी काम आएगी। आप यूपी गए, दिल्ली गए, बिहार गए, वहां पे हिंदी चलेगी, सही बात है। मगर मजे की बात सुनो, और मान लो अगर आदिवासी बच्चा या ओबीसी बच्चा कहे कि यार मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूं, या मैं कंपनी खोलकर अमेरिका में अपना माल बेचना चाहता हूं, तो कौन सी भाषा चलेगी भाइयों बहनों? हिंदी चलेगी? छत्तीसगढ़ी चलेगी? अंग्रेजी चलेगी? तो हम कहते हैं हिंदी सीखनी है सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। वो कहते हैं जंगल में रहते हो, अंग्रेजी की क्या जरूरत? ये फर्क है। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई भी सपना देखें उसको वो पूरा कर पाए। हम चाहते हैं कि आदिवासी बच्चा एक दिन हवाई जहाज को देखे और कहे कि भाई मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं, और उसको वो मौका मिले। बच्चा एक दिन कहे मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, कंपनी खोलना चाहता हूं, सपना पूरा हो। आदिवासी बच्चा कहे, पिछड़ा बच्चा कहे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, दलित बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सारे के सारे सपना पूरा कर पाए। बीजेपी चाहती है, अच्छा मजे की बात सुनो, बीजेपी नेता आते हैं आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों अंग्रेजी मत पढ़ो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, हिंदी पढ़ो। आप एक दिन काम करो, खैर मिलते तो आपसे हैं नहीं, मारे एक बार कोई बीजेपी नेता हाथ आ जाए तो उससे पूछना, भैया एक बात बताओ, आप हमें कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, आपके जो बच्चे हैं क्या वो हिंदी मीडियम में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं? पता लगेगा सारे के सारे बीजेपी के नेता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी करते हैं, लंदन में जाके पढ़ाई करते हैं,
और वहां पे व्यापार करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ओबीसी बच्चे दलित बच्चे को यह मौका ना मिल जाए। यह उनमें हम में फर्क है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो समय आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर गोली चलती थी, जब आपके बच्चों को इनकाउंटर किया जाता था, आपको याद है वो समय जब बीजेपी का यहां राज था? बीजेपी का राज था तो तेंदुपत्ता कितने का मिलता था, कितने का देते थे आप? 2000 रुपए का। आज कितने का है? 4000। और हम आपको 4000 रुपए बोनस देने जा रहे हैं उसके लिए। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नहीं कि आपने क्या कहा शब्द मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी बोली ना, मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। अच्छा भैया एक और बात बताओ, आज धान के लिए किसान को कितना मिलता है? 2500 मिलता है? 2500 मिल रहा है मार्केट में आजकल? 2500 मिल रहा है आपको? कितना मिल रहा है? 2640। यह आपने हमसे मांगा, आपने कहा कि हमें 2640 चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक हमने कर दिया बिना पूछे, किसी किसान ने नहीं पूछा। हमने कहा 2500 कम है, 2640 हो जाएगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं यह बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं ये। छत्तीसगढ़ के किसानों ये 3000 से ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि हम आपके दिल की बात, आपकी चोट, आपका दर्द समझते हैं। इसलिए ये बढ़ता जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान न्याय योजना में दिया है। भाई और बहनों, आपने मांगा नहीं, आपने हमें यह नहीं कहा कि 23,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसान को दो। नहीं, हमने कहा नहीं भैया हमें देना है। क्यों? मैं बताता हूं। हम जानते हैं जब हम छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में 2500 रुपए डालते हैं तो छत्तीसगढ़ का किसान उस पैसे को गांव में खर्च करता है, अमेरिका में खर्च नहीं करता, जापान में खर्च नहीं करता, अदानी जैसे दुबई में खर्च नहीं करता। छत्तीसगढ़ के गांव में किसान उसका प्रयोग करता है। हम आज 7000 रुपए मजदूर को दे रहे हैं, चुनाव के बाद 10000 रुपए हो जाएगा, लिख लो। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वो एकदम जाके उस पैसे को खर्च करता है। कहां खर्च करता है? शहरों के छोटे छोटे कस्बों में, गांव की छोटी सी दुकानों में। पैसा सीधा छोटे दुकानदार के पास जाता है और गांव की और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा होता है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, रमन सिंह की सरकार आती है, वो किसान को एक रुपया नहीं देते, मजदूर को एक रुपया नहीं देते, मनरेगा बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को पैसा देते हैं, अदानी जी को पैसा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, पैसे को लंदन भेज देंगे, जापान भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, आपको कोई फायदा नहीं होता। हम गरीबों को पैसा देते हैं, किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, और जब हम किसानों मजदूरों को देते हैं, छोटे व्यापारियों को मिलता है। यहां छोटे व्यापारी भाई हैं, मुझे बता दो, जीएसटी से फायदा हुआ? नहीं हुआ। किसका हुआ फायदा? अदानी का। अदानी का फायदा हुआ। आदिवासियों से हमने वायदा किया था, आपसे बिना पूछे, आपकी ग्राम सभा से बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जा सकती। ट्राइबल बिल, पैसा कानून, इसमें लिखा था कि भैया कोई भी हो, अदानी हो, कोई और हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आदिवासियों से जमीन लेनी है, वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, अगर उनसे जमीन लेनी है, दलितों से, पिछड़ों से जमीन लेनी है, तो जाके ग्राम सभा से पहले पूछिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पैसा कानून रद्द कर दिया, आदिवासी बिल रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया, कहते हैं अगर हमें चाहिए जमीन उठा के ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, कर्नाटक में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, राजस्थान में नहीं ली जा सकती, हिमाचल में नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार। भाइयों और बहनों, गुजरात में अदानी को जितनी भी जमीन चाहिए, जितनी भी जमीन, लाखों एकड़ जमीन चाहिए, लाखों एकड़ लो, कोई ग्राम सभा से पूछने की जरूरत नहीं। वहां पे उन्होंने मूर्ति बनाई, सारे आदिवासियों से बिना कोई कॉम्पेंसेशन, बिना कुछ पूछे जमीन उठा के ले गए, अदानी जी को पकड़ा दी, स्टैचू बनाने में लगा दी। स्टैचू बनाओ, जरूर बनाओ, मगर जो आदिवासियों का हक है, जो उनकी जमीन है, उसका कॉम्पेंसेशन उनको दो, उनसे पूछ के जमीन लो। ये उनकी सोच में, हमारी सोच में फर्क है। अब देखिए, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इधर आओ। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो। इनके पिता की हत्या की गई, इनके पिता शहीद हैं, सही बात? ये पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते, यह सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं,
नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। मेरा उनसे परिचय कैसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। बैठो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी मुझसे कोई मिलने आते थे या आते हैं, तो मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, रिपोर्ट लिखवा लेता हूं, पता लगाता हूं ये है कौन। और अगर मुझे वो व्यक्ति अच्छे लगे तो मैं थोड़ा और चेक कराता हूं। तो जब नंद कुमार पटेल जी मुझसे मिले पहली बार, मुझे उनमें गहराई दिखी, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा कि देखो एक काम करो, नंद कुमार पटेल के बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री जो है, कांग्रेस में कैसे आए, क्या क्या काम किया, विचारधारा के लिए लड़ते हैं, ये पता लगा के मुझे बताओ। उन्होंने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में क्या लिखा था मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रिपोर्ट में लिखा था कि एक बार चुनाव में 40-50 साल पहले मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी, और जब सारे के सारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए, बहुत बड़े नेता हार गए, तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे, इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने लिस्ट निकलवाई कि भैया पोलिंग बूथ में कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी हारी है और कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो आंकड़े निकाले गए और एक पोलिंग बूथ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार गई, एक पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को मिला। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा भैया ये कौन सा बूथ है ये, और ये कौन है जिसने इस चुनाव में, जहां सारे के सारे सीनियर नेता हार गए, ये कौन है जिसने अपने गांव में कांग्रेस पार्टी को 100 में से 100 वोट दिलवा दिए। सुनो, तो फिर दिल्ली से एक आदमी आता है, नंद कुमार पटेल के गांव में जाता है बिना नंद कुमार पटेल को बताए, और कहता है कि भैया यहां पे तुम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, सारे के सारे ने लोगों ने कांग्रेस को वोट कैसे दे दिया। तो लोग वहां कहते हैं देखिए यहां पे तो हम सिर्फ कांग्रेस वालों को गांव के अंदर आने देते हैं और कोई आ ही नहीं सकता यहां पे। तो व्यक्ति ने कहा मतलब ये कैसे हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारा यहां पे एक युवा नेता है, कांग्रेस का नेता है, सारा का सारा गांव उसके साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। नंद कुमार पटेल 3 बार प्रधान बने, सही बात। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि लोकसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है, विधानसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है,
मगर प्रधानी का चुनाव 3 बार जीतना मुश्किल होता है। कितनी बार एमएलए का चुनाव लड़े वो, कितनी बार जीते? 3 बार प्रधानी, 3 बार जीते, 5 बार एमएलए का चुनाव, 5 बार जीते और खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। किसी ना किसी दिन उनके हथियारों को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के साथ अन्याय हुआ। मैं आमतौर से चुनाव के भाषण में ऐसी बात नहीं बोलता हूं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको भारी बहुमत से पूरा दम लगा के यहां चुनाव जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद।